हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों। फिर से आप लोग धमाके के धार वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 के आगे का सम सिखाऊंगा, तो पूरे वीडियो उसमें एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को रीड करना होगा। तो यहां पर दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ओके, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये सिचुएशन जो दिया हुआ है पॉसिबल है या नहीं है। तो आगे की बात आपको बता दूं कि यहां पर लिखा हुआ है इफ सो, अगर होता है पॉसिबल तो आपको फाइंड करना है प्रेजेंट एज, फाइंड करना है। तो यहां पर सिचुएशन दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो यहां पर आपको यह जानकारी दी गई है कि दो दोस्त हैं और उन दोनों की उम्र मिलाकर 20 years है। तो आपको क्या करना होगा, इसका प्रेजेंट एज फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं दो फ्रेंड हैं तो पहले फ्रेंड का एज में क्या करता हूं, मैं एक्स सपोज कर लेता हूं। तो यहां पर लिखता हूं मैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। अगर मैं एक फ्रेंड की उम्र अगर x ईयर सपोज करता हूं मैं, और टोटल मेरा 20 ईयर्स दिया हुआ, तो क्या करना होगा, दूसरे फ्रेंड की उम्र निकालने के लिए टोटल में से जो पहले वाला सपोज किया है वो माइनस करना होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, यहां पर लिख दूंगा अदर फ्रेंड बी, यहां पर 20 माइनस एक्स ईयर्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, मंत्र लिखेंगे। क्या मंत्र है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, मैं ये इस तरह से लिख लेता हूं मैं। अब क्या होगा, देखिए आगे की इंफॉर्मेशन अगर रीड करोगे, अगर तो दिया है 4 years अगो। अगो मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब दोस्तों भूतकाल, और जब भी भूतकाल का या पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको माइनस यूज करना होता है, राइट। तो यहां पर देखोगे पहले फ्रेंड का, देखिए यहां पर एक्स है और यहां पर 4 years अगो बोला है, तो यहां पर माइनस 4 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फ्रेंड का जो उम्र दिया है 20 माइनस एक्स, तो यहां पर लिखूंगा मैं 20 माइनस एक्स, लेकिन यहां पर 4 years अगो बोला हुआ है तो यहां पर माइनस 4 कर दूंगा। और ये दो उम्र जो अभी निकाला हमने, उसका प्रोडक्ट करने पर आपका यहां पर आना चाहिए 48। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 48, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब देखिए ब्रैकेट में रखा है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग उसको। यहां पर x माइनस 4 और यहां पर 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 होगा, तो यहां पर मैं 16 लिखूंगा, माइनस x इक्वल टू 48, ये मैंने लिख लिया मैंने। अब क्या होगा, ये x को इस 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 16x, और ये x फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस प्लस माइनस, और 16 4 से कितना होगा, 64 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर प्लस, और यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, 4x होगा, तो यहां पर 4x लिखेंगे इक्वल टू 48, ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखोगे आप तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा 16 दोस्तों दिया है, 16x, और ये 4x क्या होगा, 16 प्लस 4 20 होगा, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 20x माइनस 64, और ये 48 प्लस फॉर्म में दिया है, इधर आएगा तो माइनस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। अब और सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 प्लस 4 कितना होगा, 12, तो यहां पर 2 लिखूंगा, कैरी 1 चला जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 आपका 11 होगा, तो यहां पर मैं इस तरह से लिख लूंगा मैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस साइन दिया है वो मुझे नहीं चलेगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा। अब मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, यहां पर पहला जो टर्म है उसमें प्लस हो जाएगा इस तरह से, और सेकंड टर्म प्लस दिया है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट टर्म में देखिए माइनस दिया है तो यहां पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, ये पॉसिबल है या नहीं है कैसे पता चलेगा, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको डी निकालना होगा, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां पर मैं सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, और ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको क्या करना होगा, जो आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको यहां पर a की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 लिखोगे, b की वैल्यू माइनस 20 है, और c की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 112, ये लिख लिया मैंने। अब क्या करोगे, d निकालोगे, और d का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर लिखोगे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो यहां पर बी देखिए यहां पर क्या दिया है -20, तो यहां पर -20 का होल स्क्वायर, और यहां पर 4 ए का वैल्यू देखोगे यहां पर 1 दिया है, और यहां पर सी का वैल्यू 112 दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब 20 से कितना होगा 400 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 400 माइनस 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। ये देखिए, अब यहां देखोगे अगर ध्यान से अगर, तो 400 माइनस 4 4 8, तो क्या होता है यहां पर माइनस 48। अगर d अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, मतलब आगे आपको फाइंड करना ही नहीं है, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्यों क्या होता है आप पूरा फाइंड करोगे तो कहीं हो सकता है माइनस में आंसर आ जाए दोनों की उम्र, तो वो कितना बड़ा क्यों करें हम लोग। अगर हमारे पास डी फाइंड करने का टैलेंट है, अगर डी फाइंड कर ले तो पता चल जाएगा डी इज लेस देन 0, मतलब क्या नेगेटिव में आंसर आएगा, और नेगेटिव में आंसर आएगा तो ये जो दिया था केस, जो यहां पर क्वेश्चन दिया था, जो सिचुएशन दिया था, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।